हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल्स। टुडेज टॉपिक इज द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, कंपोज्ड बाय विलियम वॉर्ड्सवर्थ। विलियम वॉर्ड्सवर्थ इज द मोस्ट फेमस पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर। के आप सब जानते हैं कि विलियम वॉर्ड्सवर्थ जो है इंग्लिश लिटरेचर के फेमस पोइट रहे हैं, इनको नेचर पोइट भी कहा जाता है। के इन्होंने जो है इनकी जो शॉर्ट पोएम रही है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये काफ़ी फेमस पोएम है और ये पब्लिश 1807 में हुई थी। विलियम वॉर्ड्सवर्थ इज़ द मोस्ट फेमस पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर। ही इज़ अ ग्रेट फिलोसफर टू, ये ग्रेट फिलोसफर भी रहे हैं। दिस शॉर्ट पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज वन ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स रिटन एंड पब्लिश्ड इन 807। हियर द पोइट क्रिटिसाइज मीन्स मनी माइंडनेस, यहाँ पर क्या है, कवि जो है मनुष्य की धन संबंधी मानसिकता की आलोचना करता है। ही टेल्स अस दैट लव ऑफ वर्ल्डली वेल्थ मेक्स अस अनइजी एंड अनहैप्पी, वह हमें बताता है जो सांसारिक धन है हमें अस्थिरता और अप्रसन्नता प्रदान करता है। बट लव ऑफ नेचर ब्रिंग्स अस मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस, लेकिन जो प्रकृति के प्रति प्यार है हमें मानसिक शांति और प्रसन्नता प्रदान करता है। द बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड इज नेसेसरी बट इट इज टू मच विद अस दैट इज वैट, सांसारिक धन क्रिया भी आवश्यक है किंतु अत्यधिक बुरी बात है। सो द पीपल ऑफ द वर्ल्ड शुड नॉट रन आफ्टर वेल्थ इन इट्स गेटिंग एंड स्पेंडिंग, इसलिए संसार के लोगों को धन कमाने के लिए और खर्च करने के लिए उसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। दे शुड टर्न देयर एटीट्यूड्स टूवर्ड्स नेचर दैट विल ग्रांट देम इमेंस हैप्पीनेस एंड एवरलास्टिंग पीस, उनके दृष्टिकोण को प्रकृति की ओर मोड़ना चाहिए जो सुख प्रदान करने सदैव स्थिर रहने वाले व्यक्ति को शांति प्रदान करेगी। यानी कि पोएट कहना चाहता है कि मनुष्य ने अपनी आत्मा का धन से बहुत कीमती सौदा किया है, अब धन के लोभ में आत्मा रहित हो गया है, उसको प्रकृति के सौंदर्य से प्रेम नहीं, शांत सागर और चंद्र की शीतलता उसको आकर्षित नहीं करते और ना उसको दिन में चलने वाले तेज पवन सूर्यास्त हर शांत ना होने वाले से प्रेम हो रहा है, प्रकृति से उसका सामंजस्य टूट गया है। कवि वॉर्ड्सवर्थ आधुनिक ईसाइयों की सांसारिकता पर खेद प्रकट करता हुआ कहता है कि ईसाई होने के नाते जो पैगन होना कहीं कल्याणकारी है, क्योंकि ईसाइयों ने प्रकृति से अपना मुंह मोड़ लिया है, वे प्रकृति को कम समझने लगे हैं, उनको बाह्य आनंद और रुपया ही सब कुछ लगने लगा है, उनको आत्मा और आध्यात्मिकता का किंचित भी विचार शेष नहीं रह गया है। प्राचीन यूनानी प्रकृति में दैविक शक्तियों की कल्पना करते थे, उनको प्रकृति का सौंदर्य आकर्षित करता था, अस्तु एक पैगन होना उनका श्रेष्ठकर है। पैगन मत को मानने वाले प्रकृति में देवी देवताओं की मूर्ति की कल्पना करते हैं, ये लोग समुद्र को, देवताओं को, तूफानी लहरों को शांत करते हुए देखते हैं, परंतु उनके मत को मानने वाला होना ईसाई होने से कहीं ज़्यादा उत्तम है। इसकी समरी पढ़ते हैं, द पोएम वर्ल्ड इज टू मच विद अस सेलिब्रेटेड सोनेट रिटन बाय विलियम वॉर्ड्सवर्थ, ये सुप्रसिद्ध सोनेट है जो कि विलियम वॉर्ड्सवर्थ द्वारा लिखित है। इट इज पेटार्कन सोनेट, ये क्या है, पेटार्कन सोनेट है। इट इज मेड ऑफ टू पार्ट्स, ये टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम इज ऑफ द 8 लाइन, कविता का जो पहला भाग है वो 8 पंक्तियों से यानी 8 लाइन्स है। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम द पोएट टेल अस दैट मैन हैज़ बिकम मनी माइंडेड एंड हीज टोटली रनिंग आफ्टर अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ वेल्थ, पहले भाग में कभी हमें बताता है कि मनुष्य अत्यधिक धन लोभी हो गया है, वह पूर्ण रूप से धन अर्जन और उसे व्यय करने के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन वह अपने ध्यान को प्राकृतिक आकर्षणों के पीछे नहीं मोड़ रहा है जो कि वास्तविक स्थायी शांति और सुख के साधन है। बट ही इज नॉट टर्निंग हिज अटेंशन टूवर्ड्स अट्रैक्शंस ऑफ नेचर विच आर द रियल सोर्सेज ऑफ एवरलास्टिंग पीस एंड हैप्पीनेस, नेचर गिव्स परफेक्ट एजुकेशन टू डेवलप मैंस माइंड एंड हेल्थ, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे टू वर्ल्डली वेल्थ विच इज अ पोइट्री थिंग। जो वास्तविक स्थायी शांति है वह सुख का साधन है, प्रकृति मनुष्य के मन मस्तिष्क को पूर्ण रूप से शिक्षित करती है। हम लोगों ने अपने हृदय को सांसारिक धन दौलत को कमाने में लगा दिया जो कि एक तुच्छ चीज है।
द सी राइजेस टूवर्ड्स द मून, इट इज अ प्रिटी साइट, द फिन्स ग्लो डे एंड नाइट, समटाइम्स दे बिकम क्वाइट लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, इट इज ऑल्सो अ प्रिटी साइट बट दीज थिंग्स डू नॉट अट्रैक्ट अस। ये क्या है, समुद्र जो है चंद्रमा की ओर उठता है, वह सुंदर दृश्य है, हवा दिन रात बहती है, कभी कभी वे सोते हुए पूल की बहुत ही शांत हो जाती है, ये कितना सुहावना दृश्य है, किंतु ये चीज़ें हमें आकर्षित नहीं कर सकती। अब सेकंड पार्ट देखिए, इन द सेकंड पार्ट द पोइट विशेष टू बी अ पैगन ऑफ एंशियंट टाइम्स, देन ही विल बी एबल टू सी अ गॉड और गॉडेस रूलिंग एवर पार्ट ऑफ नेचर। दूसरे भाग में कवि जो है प्राचीन काल के दौरान धर्म का अनुयायी बनने की इच्छा करता है, तब वह प्रकृति की हर वस्तु किसी देवता या देवी को शासन करते हुए देख सकेगा। एट नून ही कुड सी प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, ही वुड ऑल्सो ट्रिस्टन ब्लोइंग हिज काउच टू काम डाउन द स्टॉर्मी सी। इन दिस वे द पोएट इंस्पायर्स अस टू डिवोट आवर कंसाइंस towards nature, because nature is more useful than wealth, it develops man wholesomely। जब समुद्र में तूफान आएगा तो कभी जो है समुद्र के ऊपर से ट्राइस्ट नामक देव को निकालते हुए समुद्र को शांत करने के लिए अपना शंख बजाते हुए देख सकेगा। इस प्रकार कभी प्रोत्साहित करता है कि हमें अपनी चेतना को प्रकृति के प्रति विकास में लगाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति धन की तुलना में अधिक लाभदायक होती है, ये मनुष्य का संपूर्ण विकास करती है। पोइट कहता है कि जो मानव जाति है पतन की ओर बढ़ रही है, मनुष्य सांसारिकता में लिप्त है, सांसारिक आनंद को उसने जीवन का देह बना रखा है, इस समय वह धनोपार्जन की धुन में रहता है, धनोपार्जन उसको वास्तविक आनंद नहीं दे सकता, इस प्रकार से वर्तमान मनुष्य अपनी शक्ति और समय का हिरास एक मुट्ठी भर चांद या सोने के लिए कर रहा है और धन जुटाने की खातिर वह अपनी आत्मा को बेच रहा है, उसका आध्यात्मिक और नैतिक पतन हो गया है, ऐसा करना सबसे नीच सौदा है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में क्या है, लास्ट में ये यही कहना चाहते हैं, इन्होंने कहा है कि प्रकृति की ओर वापिस चलो, बैक टू नेचर, वर्ड्सवर्थ की भांति, यानी रूसो ने कहा ये प्रकृति की ओर लौटो। वर्ड्सवर्थ की भांति पर भारी दिखावे के खिलाफ प्रकृति के सादा जीवन में विश्वास करता था रूसो। कभी स्पष्ट करता है कि धन के जो बाहरी सुख हैं उसको हम प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन ये क्षण भर का होता है, और जो प्रकृति होती है वो हमें आंतरिक प्रसन्नता प्रदान करती है, वह स्थायी होती है और हमारे जीवन को शांतिमय बनाती है, इसलिए हमें अपने मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए प्रकृति की ओर वापस लौटना चाहिए। इस कविता और पोइट का यही मेन एम है। ओके, दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।